Hey, what's up everybody? कैसे हो आप सब? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. A very good morning to all of you class. You have completed chapter 7 and half yearly examination. And today we will start chapter 8 for PT2 syllabus. आज हम chapter 8 agreement of verb with subject start करने वाले हैं. तो टुडेज आवर टॉपिक इज एग्रीमेंट ऑफ वर्ड विद सब्जेक्ट, मींस क्रिया का कर्ता के साथ संबंध. बेटा यहाँ पे एग्रीमेंट मींस एक्चुअली होता है समझौता, बट यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट का संबंध यहाँ पे हमें बताना है. ठीक है, आप क्या पढ़ोगे? क्रिया का वर्ब और वर्ब का सब्जेक्ट के साथ संबंध. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बेटा हम सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमें कैसे हम एग्जाम्पल को रीड करके तब हम सेंटेंस को रीड करेंगे, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि करना क्या है. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज द बॉय गोज टू स्कूल. बेटा यहाँ पे क्या है? द बॉय गोज टू स्कूल, यानी लड़का स्कूल जाता है. बेटा आपने बहुत सेंटेंसेस रीड आप लोग करते हो, बुक्स में रीड करते हो या ग्रामर में आप लोग, तो देखोगे कि जब यहाँ पे सिंगुलर नंबर होते हैं, जब सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंगुलर नंबर में होते हैं, तो वर्ब क्या होता है बेटा? वो वर्ब भी सिंगुलर, यानी कि उसमें एस या ई एस लग जाता है. ओके, तो द यहाँ पे द बॉय गोज टू स्कूल. बॉय क्या है बेटा? यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये गोज क्या है? गोज वर्ब है. ओके, गोज वर्ब है एंड टू स्कूल, तो लड़का स्कूल जाता है. सो फर्स्ट इन फर्स्ट सेंटेंस थोड़ा यहाँ पे सेंटेंसेस चेंज देखोगे, यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है द बॉयज गो टू स्कूल. यहाँ पे बॉय गोज और यहाँ पे क्या हो गया सेकंड सेंटेंस में? बॉयज गो, यहाँ एस लग गया बॉय में एंड उसके साथ गो यूज हुआ है, बॉयज गो टू स्कूल. सो इन फर्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट बॉय इज इन सिंगुलर नंबर. क्या है? सब्जेक्ट बॉय जो है वो सिंगुलर नंबर में है, दैट्स वाई वर्ब गोज आर यूज्ड इन सिंगुलर नंबर. सो गोज को हमने गोज को यहाँ पे सिंगुलर नंबर के साथ यूज किया हुआ है, तो क्या है? यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ गोज सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर वर्ब है. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? सब्जेक्ट और ये क्या हुआ? वर्ब. ओके, एंड नेक्स्ट इन सेकंड सेंटेंस में आप देखोगे सब्जेक्ट बॉयज आर इन प्लूरल नंबर. सब्जेक्ट बॉयज जो है ये सब्जेक्ट क्या है इसमें? बॉयज. एंड गो क्या है? गो वर्ब. सो सब्जेक्ट बॉय आर इन प्लूरल नंबर, दैट्स व्हाई वर्ब गो इज यूज्ड इन प्लूरल नंबर. मीन्स बॉय, जब बॉय सब्जेक्ट है तो इसमें एस लगा है, तो यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल नंबर क्या यूज हुआ है? गो. ठीक है, सो इट इज देयर फॉर क्लियर दैट. सो यहाँ पे क्लियर है प्लूरल वर्ब इज यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब यूज इज प्लूरल सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके, इन अदर वर्ड्स हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. सेंटेंस में हम किसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करते हैं. सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर एंड इन फर्स्ट पर्सन. बेटा आपने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन पहले रीड किया है. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, माय. तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन. ही, शी क्या है? थर्ड पर्सन. एंड यू और योर क्या है? सेकंड पर्सन. आपने पर्सन यूज रीड किया हुआ है. सो ये क्या है? इन सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर एंड इन फर्स्ट पर्सन. जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो और फर्स्ट पर्सन में हो, That's why verb is also used in person according to the subject. तो इसलिए क्या करते हैं? Verb use करते हैं person के according, subject use करते हैं. Like I play football, मैं football खेलता हूँ. तो बेटा यहाँ पे I क्या हो गया? या I subject है,
बट कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन है, तो आई प्ले, आई के साथ क्या यूज हुआ है, प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल, यहाँ पे देखोगे एस या यस यूज नहीं हुआ है, ओके। एंड नेक्स्ट है सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है बट एड इन थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन में है। सो बेटा आपने देखा सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर एंड फर्स्ट पर्सन, एंड नाउ सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर एंड इन थर्ड पर्सन, ओके। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है बट थर्ड पर्सन में है, जैसे ही शी दे ऐसे है, तो उसके साथ क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर एंड इन थर्ड पर्सन, दैट्स व्हाई वर्ब हैज आल्सो बीन यूज्ड अकॉर्डिंग टू पर्सन विद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं, जैसे जैसे कि अगर ही या शी है तो उसके साथ एस या यस लगाते हैं, जैसे शी गोज टू स्कूल, क्या हो जाएगा बेटा, शी क्या है तो थर्ड पर्सन है, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ही या शी के साथ क्या लगाते हैं, गोज, ओके, मीन्स कि ई एस हम यूज करते हैं, वर्ड यहाँ पे चेंज हो जाता है। ही प्लेज, यहाँ पे बेटा देखोगे यहाँ आई है तो क्या हुआ, आई प्ले, एंड ही प्लेज क्रिकेट, मीन्स वह खेलता है क्रिकेट, तो ही यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ही के साथ हमने यहाँ पे प्लेज एस लगा दिया, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ओके। सो नेक्स्ट, सो वी कैन से, सो इसलिए हम कह सकते हैं दैट इन द सेंटेंसेस वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू पर्सन विद सब्जेक्ट, वर्ब्स ऑफ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर यूज्ड इन प्लूरल, प्लूरल लाइक अगर सब्जेक्ट दो हो, मीन्स यहाँ पे दो आता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वर्ब जो है वो चेंज हो जाते हैं, जैसे अगर सब्जेक्ट वन है तो उसके साथ इज यूज करते हैं, बट अगर सब्जेक्ट यहाँ पे दो आया, यानी मोर टू और मोर सिंगुलर नंबर, मीन्स सिंगुलर में अगर दो आया, जैसे कि रोहन एंड साहिल, तो दो वर्ड आया है बेटा, तो क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट दो आया तो आर यहाँ पे इज की प्लेस पे हम क्या यूज करते हैं, आर, तो रोहन एंड साहिल आर बी फ्रेंड्स, ओके क्लियर। एंड नेक्स्ट है ही एंड हिज मदर, बेटा देखोगे ही है, यहाँ पे ही आया, थर्ड पर्सन एंड हिज, ओके, ही एंड हिज मदर, तो यहाँ पे क्या हो गया, वर वाज या वाज नहीं होगा, वाज सिंगुलर के साथ यूज होता है, बट यहाँ पे थर्ड पर्सन है और मोर देन टू वर्ब, मोर देन टू वर्ब है, तो बेटा क्या यूज होगा, ही एंड हिज मदर वर एब्सेंट, मीन्स उस वो और उसकी मदर क्या थी, एब्सेंट थी, तो यहाँ पे वर यूज हुआ है। सो बेटा ये क्या है, आपका एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विथ सब्जेक्ट, जब भी हम वर्ब यूज करते हैं तो एक किसके अकॉर्डिंग करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज करते हैं। सो आपका ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आई होप। एंड नेक्स्ट है बेटा एक्सरसाइजेस, आपको एक्सरसाइजेस में बता दे रही हूँ, यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब का प्रयोग कीजिए, मीन्स आपको इसमें सब्जेक्ट के साथ करेक्ट वर्ब यूज करना है, ओके। तो देयर है बेटा, देयर सब्जेक्ट है, देयर के साथ इज यूज नहीं होता है, देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर वर्क, मीन्स आपके वर्क में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, सेवरल मीन्स अनेक, तो देयर आर, देयर के साथ क्या यूज हुआ, सब वर्ड आर, देयर वर, यहाँ पे वाज या वर है तो देयर के साथ वर, देयर वर मेनी ऑब्जेक्शन टू सच अ प्लान, मिल्क और सोडा, मिल्क बेटा यहाँ पे इज क्यों है, क्योंकि मिल्क या सोडा है, एंड नहीं है, अगर एंड रहता तो हम यहाँ पे आर यूज करते, क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ड है, तो क्या होगा, मिल्क और सोडा इज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक, वेरी फ्यू गर्ल्स इन आवर स्कूल, बेटा यहाँ पे देखोगे कि गर्ल्स है, वेरी फ्यू गर्ल्स, यानी कि सब्जेक्ट क्या है बेटा, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या यूज हुआ है, हैव, यहाँ पे हैज यूज नहीं करके हैव लॉन्ग हेयर, ओके। एंड मार्च द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर हैज 31 डेज,
मार्च द थर्ड मंथ, मार्च क्या है यहाँ पे, मार्च प्लूरल तो नहीं है, क्या है सिंगुलर, तो क्या यूज हुआ है, हैज, ओके, 31 डे. द चाइल्ड्स फादर, बच्चे के पिता, यानी यहाँ चाइल्ड्स है तो बच्चे के पिता क्या है, हैज नॉट कम टूडे, क्या यूज हुआ है, हैज. एंड हाउ मेनी लेग्स, बेटा यहाँ पे देखो कि जब प्लूरल हो गया ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हैज अ काउ, हाउ मेनी लेग्स हैज अ काउ, ओके. एंड सब्जेक्ट बी में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करिए, तो क्या है, फर्स्ट 1000 रुपीज, यहाँ पे 1000 रुपीज है तो आर यूज करेंगे, इज नहीं यूज करेंगे. 1000 रुपीज आर द प्राइस ऑफ दिस साइकिल. काइंडनेस एंड विल एज जस्टिस इज टू बी आवर गाइड. ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पे बॉयज देखोगे, ईच ऑफ द बॉयज, तो बॉयज के साथ क्या यूज हुआ है, वर पनिस्ड, यानी पनिस्ड किए गए थे. नाइदर ही नॉर शी, न तो और न ही वह, क्या हुआ, वॉज प्रेजेंट यस्टरडे. बोथ ब्रेड एंड राइस, यानी ब्रेड और राइस, तो क्या है बेटा यहाँ पे, आर बैड फॉर यू, दोनों मीन्स की दोनों, ब्रेड और राइस दोनों आपके लिए बुरा है, तो आर यूज हुआ है न कि इज. ब्रेड एंड बटर आर बेटर देन ब्रेड ऑफ, ब्रेड और बटर मीन्स ब्रेड या बटर के प्लेस पे क्या दोनों जरूरी है, तो क्या दोनों अच्छा है, बेटर देन, ओके, तो आर यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट किस में है, प्लूरल में है, ओके. 50 yards मेक्स अ गुड डिस्टेंस, बेटा यहाँ पे 50 yards है तो yards क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ क्या है, मेक अ गुड डिस्टेंस, यहाँ पे क्या होगा, मेक अ गुड सेंटेंस, ओके. सो आई होप कि बेटा आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर लैंग्वेज में चैप्टर 9 रीड करेंगे, ओके.